A 50 ohm lossless transmission line is terminated with a load impedance of J50 ohm. Out of the following options, the distance from the load where voltage maximum occurs is. Hello everyone and welcome to Singularity. आज के डेली डोज का क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ टॉपिक लोकेशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम इन ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज मैक्सिमम कहां कहां होता है एज वेल एज वोल्टेज मिनिमम कहां कहां होता है. करंट का भी वोल्टेज करंट मैक्सिमम कहां कहां होता है, करंट मिनिमम कहां कहां होता है, ये सारी बातें हम करेंगे. ओके, तो शुरू करते हैं. अगर मैं एक ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन की बात करूं तो किस तरह के मन होता है, वी इन टर्म्स ऑफ एल. एल क्या है सर? एल इज द मेजरमेंट फ्रॉम लोड टुवर्ड्स जनरेटर. लोड पे एल जीरो होगा और सारे मेजरमेंट्स हम लोड टुवर्ड्स जनरेटर करते हैं. ठीक है, तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं एल. तो जो मेजरमेंट्स जनरेटर टुवर्ड्स लोड हो जाएगा तो वो हम उसको नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव मेजरमेंट दिखाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोड से सोर्स की तरफ या फिर जनरेटर की तरफ मेजर कर रहा हूं, मान लो थ्री मीटर, तो प्लस थ्री होगा. लेकिन वही थ्री मीटर अगर मैं मेजर कर रहा हूं जनरेटर से लोड की तरफ तो मेरा वो माइनस थ्री मीटर डिनोट करूंगा. ठीक है, तो ये कन्वेंशन हम यूज करते हैं इन ट्रांसमिशन लाइन. ओके, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन की बात करूं तो कितना होगा, ये वी प्लस एक्सपोनेंशियल जे बीटा एल. जे बीटा एल बस रहेगा, अल्फा जीरो है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लाइन को लॉसलेस बोला है. राइट, ओके, प्लस वी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा एल. ये है एक्सप्रेशन वोल्टेज का. और करंट की एक्सप्रेशन की बात करूं दैट इज गिवन एज V plus by Z naught exponential J beta L minus V minus by Z naught exponential minus J beta L. ठीक है, और नाउ वोल्टेज के एक्सप्रेशन में मैं अगर ये वाला टर्म कॉमन ले लू तो किस तरह बन जाएगा ये वी एल इज इक्वल्स टू, इसको मैंने कॉमन लिया तो V plus exponential J beta L कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वन प्लस V minus by V plus exponential minus J टू बीटा एल, है ना. ये इन द सेम सेंस अगर मैं करंट से वो टर्म कॉमन ले लू, करंट से वाला पहला वाला टर्म कॉमन ले लू तो बचेगा यहाँ पे V प्लस बाय Z नॉट एक्सपोनेंशियल J बीटा एल और अंदर वन माइनस V माइनस बाय V प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा एल, सॉरी माइनस J टू बीटा एल. ये करेक्ट. और ये वाला टर्म ही हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, है ना. इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लोकेशन एल, ना. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लोकेशन एल. लोकेशन इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम लोड टुवर्ड्स जनरेटर. ठीक है, इसलिए एल यूज करना है. क्या है ये, वी प्लस सॉरी वी माइनस बाय वी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू बीटा एल. और अगर मैं ये बात करूं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द लोड एंड पे एल इज इक्वल जीरो होगा तो उसको हम लोग गामा सब एल से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू वी माइनस बाय वी प्लस. करेक्ट, वी माइनस बाय वी प्लस, ये एक्सप्रेशन. और ध्यान देने की बात यह है कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इन जनरल कॉम्प्लेक्स होता है. रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इन जनरल कॉम्प्लेक्स होता है, उसका मतलब मैं रिफ्लेक्शन कोफिशियंट कहीं की बात कर दू लोड पे भी कॉम्प्लेक्स ही होगा. उसको अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर दू कि मैग्नीट्यूड और फेज को एक्सपोनेंशियल जे, कोई भी फेज लेते हैं फाइव, ठीक है, कोई भी फेज देते हैं फाइव, तो इस चीज को मैं अगर वहां रिप्रेजेंट कर दूं, इस चीज को मैं अगर वहां रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा सर, पहला वी माइनस बाय वी प्लस, ये मैं गामा सब एल, इसको मैं मैग्नीट्यूड एंड फेज के टर्म में लिख दूंगा तो मॉड गामा एल एक्सपोनेंशियल जे फाइव. और फिर ये वाला टर्म था एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू बीटा एल, एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू बीटा एल. करेक्ट, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं तो ये आ जाएगा आपका फाइव माइनस टू बीटा एल. करेक्ट है, इन द सेम सेंस यहां भी एग्जैक्टली सेम, या मॉडल एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल. ठीक है, ये अब अरेंज करना. अभी एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल ये कैसा है, ये फेज का टर्म है, लेकिन ये किस तरह इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है अगर हम बात करें उसकी, तो जे एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल, तो ये फेज चेंज होता जाएगा. या फिर अगर मैं एल को वेरी करते चलू, एल इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम लोड टू आवर जनरेटर, उसको मैं अगर वेरी करते चलू तो इसका वैल्यू चेंज होते जाएंगे. मैक्सिमम वैल्यू कहां जाएगा, प्लस वन, है ना, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन. इसका मतलब यह है कि इसका
आप एल जैसे वेरी करते चलो, मैक्सिमम जाएगा प्लस वन, मिनिमम जाएगा माइनस वन, करेक्ट? ओके, नाउ अगर मैं ये बात करूं कि मैक्सिमम जब हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम जब हो जाएगा वन, मैक्सिमम कब होगा बात देखेंगे, लेकिन जब हो जाएगा उस वक्त क्या होगा, देखो उस वक्त ये वाला टर्म वन प्लस मॉड गामा एल, ये वाला टर्म वन माइनस मॉड गामा एल, और हमने जैसे बात करा कि एक्सपोनेंशियल टर्म मैक्सिमम तो प्लस वन जा सकता है और मिनिमम माइनस वन जा सकता है, और जब ये एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल मैक्सिमम पे होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा, तब वोल्टेज भी मैक्सिमम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? एग्जैक्टली वही बात कि जब अगर मैं बात करूं फॉर वोल्टेज मैक्सिमम, फॉर वोल्टेज मैक्सिमम की बात कर दूं, तो एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल मस्ट बी इक्वल टू वन, करेक्ट? तो ये जब होगा तो मेरा वोल्टेज विल बी मैक्सिमम, वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। नोटिस करने की बात यह है कि जब एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल वन होगा तो वोल्टेज तो मैक्सिमम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहां क्या हो रहा है, वन माइनस मॉड गामा एल, तो ये मिनिमम वैल्यू है उसके लिए, है ना, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे प्लस है, जब एक्सपोनेंशियल जे फाइव बीटा एल मैक्सिमम होगा तो यहां प्लस होगा, तो ये वन माइनस मॉड गामा एल, तो वो होगा मिनिमम वैल्यू, वो होगा मिनिमम वैल्यू। मैं बोल रहा हूं कि जब एक्सपोनेंशियल जे फाइव बीटा माइनस टू बीटा एल मेरा मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, एट द सेम टाइम या फिर एट द सेम लोकेशन, एट द सेम लोकेशन, क्योंकि मैं एल को वेरी कर रहा हूं, एट द सेम लोकेशन मेरा करंट विल बी मिनिमम, करंट विल बी मिनिमम, पकड़ा बात को, मेरा करंट विल बी मिनिमम, तो आई विल बी मिनिमम, ठीक है? तो जहां जहां ट्रांसमिशन लाइन के लोकेशन पे जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां वहां करंट विल बी मिनिमम, करेक्ट बात? ये भी सेम एक्सप्रेशन है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो होना ही है, ये अगर मैक्सिमम चला गया तो ये मिनिमम चला गया, और अगर उसकी इस उल्टी बात कर दें तो एक्सपोनेंशियल जे फाइव माइनस टू बीटा एल जब मिनिमम पे होगा, अपने मिनिमम पे होगा मतलब कितना, माइनस वन, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन माइनस मॉड गामा एल, और ये वाला वन प्लस मॉड गामा एल, यही इसका वन माइनस मॉड गामा एल विल बी द मिनिमम वैल्यू दैट कैन हैपन हियर, और इधर वन प्लस मॉड गामा एल जो मैक्सिमम होगा, तो इस लोकेशन पे हमको क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिनिमम, और जहां जहां जिस एल के वैल्यू के लिए ये माइनस वन होगा वहां वोल्टेज मिनिमम मिलेगा, एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे मेरा करंट विल बी मैक्सिमम, एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे मेरा करंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है? तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन पे जहां जहां भी वोल्टेज मैक्सिमम होगा एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे करंट विल बी मिनिमम, और जहां जहां वोल्टेज मिनिमम होगा करंट विल बी मैक्सिमम, है ना? तो अगर मैं उस प्लॉट को बना दूं फ्रॉम द लोकेशन ऑफ लोड टू आवर जनरेटर, ठीक है, हम लोग इस तरफ बनाते हैं हमेशा, अगर आपने बुक वगैरह देखा होगा तो अगर जो भी वोल्टेज करंट प्लॉट बनाएंगे हम लोग यहां से इस तरफ प्रोसीड करते हैं, तो ये लोकेशन हो गया मेरा लोड का इस तरफ जनरेटर, ठीक है? और सो जहां जहां वोल्टेज का मैक्सिमम होगा या फिर मैं अगर वोल्टेज का कर्व बनाऊं ये इस तरह, तो करंट एग्जैक्टली उसका अपोजिट होगा, सर करंट एग्जैक्टली उसका अपोजिट होगा, जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम वहां वहां करंट मिनिमम, और जहां जहां वोल्टेज मिनिमम करंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है? और अब यहां से ये कंफ्यूजन नहीं करोगे आप, अच्छा वोल्टेज मैक्सिमम जितना करंट मैक्सिमम, करंट भी उतना ही मैक्सिमम जाता है, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं चल रही है, मैं बस जहां मैक्सिमम करंट वहां मिनिमम वो बोल रहा हूं, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कितना, है ना, अगर ये वोल्टेज कर्व की बात कर दूं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम है कितना सर, ऑफ कोर्स ये v प्लस एक्सपोनेंशियल j बीटा l टाइम्स ऑफ 1 प्लस मॉड गामा l, ये होगा वोल्टेज का मैक्सिमम एक्सप्रेशन, ठीक है? ये क्या है, v प्लस का टर्म आया एक्सपोनेंशियल j बीटा l इंटू 1 प्लस मॉड गामा l। सिमिलरली मैं अगर वोल्टेज मिनिमम की बात कर दूं, वोल्टेज मिनिमम की बात कर दूं क्या होगा, ये v प्लस एक्सपोनेंशियल j बीटा l 1 माइनस मॉड गामा l, है ना? तो ये है v प्लस एक्सपोनेंशियल j बीटा l 1 माइनस मॉड गामा l, ठीक है? तो ये अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम वोल्टेज होगा कितना,
तो आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है, क्या क्या है अगर ध्यान दे, V प्लस उसका मतलब यह है कि यहां पे वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड कर रहा है, V प्लस विल प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। इन द सेम सेंस अगर मैं करंट की बात कर दूं, वहां पे V प्लस होगा, V प्लस मतलब वोल्टेज एंड करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा V प्लस पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, V प्लस पे हमेशा डिपेंडेंट होगा, इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। नेक्स्ट और बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट लोड एंड, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड एल इज द लोकेशन फ्रॉम द लोड टू आवर जनरेटर, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैं अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं वोल्टेज मैक्सिमम पे या फिर वोल्टेज का एक्सप्रेशन पे भी देख सकते हैं हम लोग को, तो वो है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, वी प्लस को हमको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, वी प्लस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ट्रांसमिशन लाइन, ओके। और सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूं उसी तरह, तो मैं यहां लिख लेता हूं, मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन क्या है सर, वी प्लस बाय जेड नॉट एक्सपोनेंशियल जे बीटा एल, मतलब इट 1 प्लस, मैक्सिमम है तो प्लस मॉड गामा एल, और करंट का मिनिमम कितना होगा, ये वी प्लस बाय जेड नॉट एक्सपोनेंशियल जे बीटा एल 1 माइनस मॉड गामा एल। ये तो हो गए वैल्यूज, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम वोल्टेज, कितना करंट मैक्सिमम, कितना करंट मिनिमम, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब बात करें लोकेशन की, ठीक है, कितना होगा पता चला, लेकिन कहां होगा ध्यान देना, यहां पे मैं एल वेरी करते चल रहा हूं, यहां में कुछ और वेरी नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ और वेरी नहीं हो रहा है। तो हमको पता करना है कि एल का कौन सा वैल्यू के लिए वोल्टेज मैक्सिमम होगा, कि एल लोड पे जीरो है और लोड से कितने दूरी पे मेरा वोल्टेज मैक्सिमम, पहली बार, दूसरी बार, इस तरह, राइट, ओके। नाउ अभी तक हमने समझा कि अच्छा वोल्टेज मैक्सिमम की बात करो अगर, तो जब ये एक्सपोनेंशियल जे 5 - 2 बीटा L 1 हो जाएगा तब मुझे वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। चलो उसी को पकड़ के आगे बढ़े, अगर एक्सपोनेंशियल जे 5 - 2 बीटा L जब 1 हो जाएगा तब मुझे वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, है ना, एज वेल एज करंट मिनिमम मिलेगा, ठीक है। और 1 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल जे के टर्म में लिखूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, या फिर दोनों तरफ एलएन भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी जे टू पाई पे 1 होगा कि नहीं होगा, और फॉर्मेट लगाओ कॉस 2 पाई प्लस जे साइन 2 पाई 1, लेकिन बस 2 पाई पे ही नहीं, हर मल्टीपल ऑफ पाई, हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हम लोग का 1 मिलेगा, मतलब मैं इसको 2 पाई की जगह Twice n pi बोल देता हूं, जहां n is 0, 1, 2 all the way, करेक्ट है। तो 1 is equals to this, तो अगर मैं कंपेयर कर दूं तो साफ साफ दिख रहा है 5 is equals to minus 2 beta L, oh sorry, 5 minus 2 beta L is equals twice n pi, हमको क्या चाहिए L क्या है, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू आवर जनरेटर, लेकिन है तो डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, हाँ एक और बात हमको समझनी है कि एक्सपोनेंशियल जे ट्वाइस एन पाई पे तो 1 होगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों पे होगा, अगर मैं यहां पे माइनस लिखो तभी तो वही बात, करेक्ट। तो यहां पे प्लस माइनस दोनों आएगा। अब मैं अगर एल का एक्सप्रेशन इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो मुझे केयरफुली करना होगा, क्योंकि एल इज अ डिस्टेंस, ही कैन नॉट बी नेगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही कैन नॉट बी नेगेटिव, उसका मतलब मुझे यहां पे प्लस या फिर माइनस कौन सा लेना है, वैसा लेना है सच दैट एल नेवर बिकम्स नेगेटिव, है ना, एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो नेगेटिव ना बन जाए। तो एल को मैं कैसे लिखूंगा, ही मस्ट बी फाइ, या प्लस हो जाए तो काम बन जाएगा, मतलब माइनस पिक कर रहा हूं मैं, यहां वाला मैं प्लस या फिर माइनस कौन सा पिक कर रहा हूं, माइनस पिक कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे केयरफुली करना है एल नेगेटिव ना बन जाए, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस एन पाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस बीटा, करेक्ट है। इस बात को काफी बच्चे मिस कर देंगे, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लोग प्लस ही लेंगे, तो यहां पे प्लस आएगा, तो अरेंज करते पे यहां पे माइनस आ जाएगा। अगर मैं माइनस ले लेता तो एन इज इक्वल जीरो के लिए ठीक, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 शायद फाइव के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन एन जैसे जैसे बड़ा करते जाऊंगा कभी ना कभी ये
नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा, वैसा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वैसा हमको नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना है। तो हम यहां पे नेगेटिव वाला वैल्यू देते हैं और यहां पे प्लस लगाते हैं। ठीक है, और बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, है ना, बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, तो ये बन जाएगा आपका 4 पाई टाइम्स ऑफ लैम्डा। और यही एक्सप्रेशन है वो जो जहां जहां एल का वैल्यू आपको वोल्टेज मैक्सिमम बता देगा। ठीक है, अब यहां पे इस फॉर्मूला पे आप ध्यान से देखो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एन तो सर 1, 2, 3, 4, 5 लैम्डा आपको गिवन होगा, है ना, लैम्डा आपको गिवन होगा। फाई क्या था याद करना, फाई क्या था, लोड एंड पे मेरे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का फेस, लोड एंड पे मेरे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का फेस, ठीक है, वो है फाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला अगर, तो आप इस पे जीरो ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल सकता है, तो आप इसको ख्याल करोगे। ठीक है, काफी बच्चे इसके साथ डील करते हैं, पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं। पूछो तो बोलेंगे सर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, तो जीरो ले लिया। अरे नहीं सर, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, चलो, तो इस फॉर्मूले की बात कर रहा था, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं वोल्टेज कहां मैक्सिमम हो रहा है ना, वोल्टेज कहां मैक्सिमम हो रहा है, एज वेल एज वोल्टेज कहां मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये लोकेशन बता देगा वोल्टेज कहां मैक्सिमम हो रहा है या फिर करंट कहां मिनिमम हो रहा है। और इन द सेम सेंस अगर मैं ये पता करना चाहूं कि वोल्टेज मिनिमम कहां हो रहा है, तो मैं इसको यूज करूंगा। ऐसा हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता है ट्रांसमिशन लाइन की, क्या है कि अगर किसी लोकेशन L इज इक्वल टू L प्राइम पे मेरा वोल्टेज मैक्सिमम मुझे पता चल गया, तो L प्राइम प्लस या फिर माइनस, L प्राइम प्लस माइनस लैम्डा बाय 4 पे मुझे वोल्टेज मिनिमम मिल जाएगा, है ना। अगर मैं ये बोलूं कि ये लोकेशन मेरा L प्राइम है, तो ये वाला लोकेशन मुझे पता है जहां पे वोल्टेज मिनिमम आ रहा है, वो वाला लोकेशन डेफिनेटली L प्राइम इस तरफ जा रहा हूं तो माइनस लैम्डा बाय 4, और इधर ये वाला लोकेशन क्या होगा, ये L प्राइम प्लस लैम्डा बाय 4, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो हम बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अननेसेसरी हम दूसरा वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं चिपकाएंगे। होगा क्या, प्लस लैम्डा बाय 4 कर देंगे, है ना, प्लस लैम्डा बाय 4 कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो हम बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। हमको पता है अगर करंट की बात करें तो जहां जहां वोल्टेज मैक्सिमम वहां वहां करंट मिनिमम, और जहां जहां वोल्टेज मिनिमम करंट विल बी मैक्सिमम। पकड़ा बात को, ओके चलो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की बात करें, तो यहां पे है ना, मैं अगर सॉल्व करूं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात फाई को ढूंढेंगे। इसको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है फाई के बारे में, जीरो कर दिया, ऐसा नहीं। फाई है क्या, फाई था क्या, फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट द लोड एंड। और मैं अगर रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट द लोड एंड गामा एल एक्सप्रेशन की बात करूं तो क्या होता है, ZL माइनस Z0 बाय ZL प्लस Z0, ये होता है। ZL प्लस J50 गिवन है, Z0 50 गिवन है ना, तो ये J50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय J50 प्लस 50, करेक्ट, 50 अगर कॉमन ले लें तो यहां पे बस 1 बचेगा, ये भी 1, 1 और 1, करेक्ट ना। हमको क्या चाहिए, फेज चाहिए, है ना, इसका फेज चाहिए, तो मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख लूंगा। तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड 1, और फेज कितना है इसका, ध्यान देना कौन से क्वाड्रेंट पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, रियल पार्ट नेगेटिव, ये -1 और ये J1 है ना, तो यहां कहीं होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फेज कैसे लिखते हैं, पाई माइनस फेज ऑफ दिस, फेज कितना है, पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे फेज पाई बाय 4, करेक्ट है ना। अगर मैं फेज को कंबाइन कर दूं तो ये पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाय 2 विल बी पाई बाय 2, ये है मेरा गामा एल, ये है मेरा गामा एल। इसका मतलब साफ दिख रहा है हमको, पाई मिल गया है एस पाई बाय 2, पाई मिल गया है पाई बाय 2, करेक्ट। तो यहां पे पुट कर देंगे तो ये पाई बाय 2 प्लस ट्वाइस एन पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां पे एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 ऑल द वे।
अब यहां से पाए चला जाएगा कॉमन, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना ये। अब एन इज इक्वल टू जीरो पुट करो, एन इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये लैम्डा बाय एट आया। एन इज इक्वल टू वन पुट करो क्या बन जाएगा, टू प्लस हाफ, टू प्लस हाफ 2.5 मतलब 5 बाय 2, ये मतलब ये 5 लैम्डा बाय 8। एन इज इक्वल टू टू पुट करो, 4 प्लस हाफ 4.5 यहाँ पे 9 बाय 2, 9 बाय 2 मतलब 9 लैम्डा बाय 8, है ना, 9 लैम्डा बाय 8। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन गिवन है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, करेक्ट, ये दोनों ऑप्शन गिवन है। तो शायद ये ऑप्शन ए है, ये शायद ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट। ठीक है, तो आपको फोकस करना है किस तरह हम लोग ने इसको निकाला, यहां तक प्रोसीडियर पहुंचा, और यहां पे जब तक वोल्टेज मैक्सिमम तब तक करंट मिनिमम, जब तक करंट वोल्टेज मिनिमम तब तक करंट मैक्सिमम। लेकिन ये वाला टर्म आपको ध्यान में रखना, एक्सपोनेंशियल जे पाई माइनस टू बीटा, ठीक है, और किस तरह मैंने इसको यूज करके यहां तक पहुंचा। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, लेकिन फाई को नहीं मिस करोगे। वापस से बोलता हूं, फाई क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट द लोड एंड का फेज। फाई को आप ऐसे नहीं छोड़ोगे कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो जीरो ले लो, हाँ ऐसा नहीं, क्वेश्चन में हमेशा जेडल जेड नॉट गिवन ही रहता है, उससे आप बड़े आसानी से निकालो, जीरो है तो जीरो पुट करो, जो भी है आपको उसको यूज करना है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखोगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।